दोस्तों, अगर आप एक अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं और आपके अमेज़ॉन पे वैलेट में बहुत सारे पैसे हैं, जैसे 5,000, 10,000, 50,000 या 2,000 जो भी पैसा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे अमेज़ॉन पे में 15 रुपया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों आपके भी अमेज़ॉन पे में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं अपने अमेज़ॉन पे वैलेट से मैं अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें, अगर आप देख लेते तो बिल्कुल ही आप अपने Amazon Pay वैलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और पूरा फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर आप सीख लेंगे तो बिल्कुल ही आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक और जरूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल वाला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाद में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इससे आपको ये फायदा है कि इसी तरह का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और कुछ नया सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपने Amazon को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना Amazon को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं Amazon Pay पे क्लिक कर लेना है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे Amazon Pay में आकर कितना रुपया, 15 रुपया है। इसी तरीका से आप में 1,500 या इसी तरीका से 2,000 होगा, जो भी होगा आप चाहते हैं इसको ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मनी का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सेंड वाली वे सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आएगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, QR कोड, और उसी तरीका से आपको आएगा 2 UPI ID, और उसी तरीका से आपको आएगा 2 बैंक अकाउंट। तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट में डालना है तो सिंपली यहाँ पे 2 बैंक पे क्लिक कर देना है। 2 बैंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपने बैंक का IFSC कोड लिख लेना है और अपना अकाउंट नंबर लिख लेना है, और जो अकाउंट नंबर ऊपर लिखना है वो आपको नीचे लिख लेना है। उसके बाद जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम लिख लेना है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले इसको फिलअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे फिलअप कर लिया। इसी तरीका से आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोसीड टू यहाँ पे सेंड मनी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इंटर अमाउंट, तो कितना है आपके पास, 15 रुपया है, तो 15 रुपया भेजता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे, चलिए आप इसमें कोई भी चार्ज में आपको नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं 15 रुपया लिख लिया हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड मनी। सिंपली चलिए मैं आपको इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं सेंड मनी पे क्लिक कर दिया हूँ। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे चला चुका है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 15 रुपये चला चुका है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली दोस्तों चलिए आप बैक होकर दिखाते हैं कि सही में ये यहाँ से गया, कटा है पैसा या मेरे बैंक से पैसा कटा है। उसके लिए सिंपली मैं आपको बैक आ जाऊँ, बैक आ गया हूँ, और बैक आने के बाद अब देख लेता हूँ कि सही में यहाँ पे मेरे अमेजोन पे से पैसा कटा है या मेरे UPI जो बैंक अटैच है इसमें वो वहाँ से पैसा कटा है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन पे में मेरा यहाँ पे 15 रुपया था, 15 रुपया है ही है, तो समझ जाओ जो 15 रुपया कटा है मेरा बैंक अकाउंट से कटा है। तो सिंपली दोस्तों आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि मैं यहाँ से पैसा ट्रांसफर करूँ मैं अपने बैंक अकाउंट में, तो सिंपली यहाँ से कितनों ट्राई कीजिएगा पैसा ट्रांसफर नहीं होता है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ जो आपको बैलेंस मिलता है अमेजोन पे में, जो आपका बैलेंस फंस जाता है या जो रिवार्ड मिलता है जो भी रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते कोई शॉपिंग करके या रिचार्ज करके या पेमेंट करके बिजली बिल का, या इसी तरीका से जो भी करना है इसी तरीका से आप यहां से पैसा खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैलेट का पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो मेरे भाई नहीं होगा, आप कितनों ट्राई कर लीजिए नहीं होगा। तो मैं आपके लिए क्यों गलत वीडियो बना दूं या झूठा वीडियो बना दूं, मैं आपको जो भी सही वीडियो ही बना के बताता हूं। तो दोस्तों आप लोग अगर परेशान हैं तो इससे आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जो पैसा अमेजोन पे में फंसा हुआ है या है आपका पैसा, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिचार्ज कर सकते हैं या यहां से शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी कीजिएगा वहां से आप यहां से पैसा कटा के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, कुछ नए सीख सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के हेल्प से मेरा भाई, मेरा दोस्त या कोई भी नया कुछ सीखे और आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो लेकर आता हूँ, जब तक के लिए थैंक यू।